सऊदी अरब में तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगने के बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने सरकार से भारत में भी तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। विकास त्यागी जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। धन्यवाद विपिन जी। आपने मांग कर दी है कि तबलीग जमात पर हिंदुस्तान में भी प्रतिबंध लगाया जाए, क्या कारण है, क्यों ऐसी मांग आपने की? सऊदी अरब एक इस्लामिक राष्ट्र और वहाँ पर तबलीग जमात पर बैन लगाया गया है, वहाँ की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और धीरे धीरे जो इस्लामिक राष्ट्र हैं वो समझ चुके हैं कि तबलीग जमात ही आतंकवाद की ये और पहली सीढ़ी है। और तबलीग जमात की स्थापना लगभग 100 वर्ष पूर्व देवबंद के दारुल उलूम से हुई थी, जो धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर आज फैल चुकी है। और इसकी जननी देवबंद का ये दारुल उलूम है। पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि तबलीग जमात दुनिया के अंदर ये कट्टरता पैदा करता है और कट्टरता पैदा करने के बाद ये आतंकवाद की पहली सीढ़ी है। मैं भारत सरकार से भी मांग करूंगा कि जिस प्रकार से इस्लामी राष्ट्र और तबलीग जमात पर बैन प्रतिबंध लगा रहे हैं, सब बैन कर रहे हैं, भारत के अंदर भी तबलीग जमात को बैन किया जाना चाहिए। और जो इसकी जननी है देवबंद का दारुल उलूम, इसकी जननी पर भी बैन होना चाहिए, सब पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, दारुल उलूम पर भी ताला लगाया जाना चाहिए, क्योंकि देवबंद का दारुल उलूम ही पूरे विश्व के अंदर ये कट्टरता पैदा कर रहा है, आतंकवादी पैदा कर रहा है, आतंकवाद की पोत तैयार करके और पूरे विश्व में सप्लाई कर रहा है। तो मैं भारत सरकार से मांग करूँगा कि तबलीग जमात के साथ साथ देवबंद के दारुल उलूम पर भी ताला लगना चाहिए। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में तबलीग जमात का अहम रोल रहा। तबलीग जमात का रोल रहा ना किसी मुसलमान का रोल रहा, ना कि देवबंद के दारुल उलूम का रोल रहा। यदि किसी एक दो मुसलमान का देश की आज़ादी में रोल रहा, उनकी कोई भूमिका रही है, तो एक दो हैं हाँ, लेकिन उसका बंटवारा इन्होंने पाकिस्तान के रूप में करके और इन्होंने ले लिया था। अब हिंदुस्तान में क्या रह गया, 1947 में आपने भारत का बंटवारा करके और पाकिस्तान आप लोगों ने ले लिया, तो अब क्यों छाती पीट रहे हो यहाँ से कि हिंदुस्तान में भी आपको अधिकार मिलना चाहिए, अब भी यहाँ को मिलना चाहिए। मैं तो मोदी जी से मांग करूँगा कि जितनी जल्दी हो जाए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, अन्यथा इनकी संख्या देश के अंदर बढ़ती जा रही है और आने वाले 2-4 सालों के अंदर ये दूसरा पाकिस्तान की भी मांग करेंगे। यहाँ कोई भूमिका दारुल उलूम की या तबलीग जमात की और देश की स्वतंत्रता में नहीं रही है। त्यागी जी, जिस तरीके की विचारधारा आपकी तबलीग जमात को लेकर है, इसी तरीके की विचारधारा मुस्लिम समाज की बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को लेकर भी है। यदि हम देश समाज राष्ट्र हिंदुत्व के लिए बात करते हैं तो जो हमारे विरोधी लोग हैं वो तो उंगली उठावेंगे ही, लेकिन हमें ये अच्छा लगता है कि आज हम देश के लिए, समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदू समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है और ये हमें बहुत अच्छी बात लग रही है। ठीक है, होना भी चाहिए, इतना खौफ तो उन लोगों के अंदर होना चाहिए इन संगठनों का। आप लगातार मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ लोग तो जय श्री राम बोल रहे हैं, श्री राम को अपना पूर्वज बता रहे हैं। जो लोग जय श्री राम बोल रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, वंदे मातरम बोल रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और कुछ लोगों ने तो शुरुआत भी कर दी वापस सनातन धर्म में आने की, और ये शुरुआत होगी और धीरे धीरे देर सवेर इन सब लोगों को मानना पड़ेगा कि ये रामकृष्ण की धरती है और रामकृष्ण ही हमारे जो हैं पूर्वज थे और उन्हें ही मानना पड़ेगा, और देर सवेर आपको वापस जो है सनातन में आना पड़ेगा। आप दारुल उलूम पर भी सवाल खड़े करते रहते हैं, लेकिन दारुल उलूम तो विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्था है। इस देवबंद के दारुल उलूम ने कितने इंजीनियर बनाए, कितने यहाँ से आईएएस पीसीएस किसने निकल कर गए, उनकी विचारधारा का केंद्र है देवबंद का दारुल उलूम, तो उनके लिए मान्यता होगी देवबंद के दारुल उलूम की। मेरे लिए मान्यता माँ त्रिपुर बाला सुंदरी का जो शक्तिपीठ है उसके कारण मैं देवबंद को मानता हूँ कि विश्व के अंदर देवबंद की पहचान है। और हाँ, देवबंद को यदि विश्व के अंदर जाना गया है तो दारुल उलूम के कारण कम बल्कि आतंकवाद के कारण ज़्यादा आज जाना गया है और पूरी दुनिया के अंदर ये आतंकवाद ने देवबंद बदनाम कर दिया है। एटीएस कमांडो सेंटर जो देवबंद में बनने जा रहा है, इसको लेकर भी मुस्लिम समाज के कुछ लोग कहते हैं कि ये तो चुनावी फंडा है और मुस्लिमों को डराने की एक कोशिश है। पेट में दर्द होगा, ये मैं पहले बता रहा था। और एटीएस का सेंटर देवबंद के अंदर बन रहा है, ये स्वागत योग्य कदम है,
मुख्यमंत्री योगी जी का, बल्कि मैं तो मांग करूंगा मुख्यमंत्री जी तक इस एटीएस के सेंटर को दाई बाई ना बनाकर देवबंद के दारुलूम के अंदर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आए दिन आतंकवादी वहाँ देवबंद के दारुलूम से पकड़े जाते हैं, उनके संपर्क संबंध मिलते हैं, तो दारुलूम के अंदर ही इस एटीएस सेंटर की स्थापना वहाँ होनी चाहिए। और उसके बाद देवबंद दारुलूम में पढ़ने वाला एक का वहाँ का छात्र मुल्ला मौलवी पढ़ाने वाला वहाँ आने जाने वाले पर बारीकी से निगाह रखी जाएगी, और जो ये पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद सप्लाई कर रहे हैं इस पर भी रोक लगेगी। तो इस एटीएस सेंटर की स्थापना तो देवबंद के दारुलूम के अंदर होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक विकास त्यागी, जिन्होंने हिंदुस्तान में तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाने की मांग भारत सरकार से की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।